नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान की, जो इंडिया कॉन्क्लेव में भाग लेते हुए उन्होंने ऐसी बात की जिसकी खूब चर्चा हो रही है। बात थी जब एंकर ने उनसे पूछा कि आज अपने देश में कौन सा पॉलिटिशियन आपको अच्छा लगता है और ब्रेव है और उसकी जो तारीफ होनी चाहिए। उनके सामने विकल्प उन्होंने दिए अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और कुछ और नाम, लेकिन सैफ अली ने बड़ी साफगोई से और ईमानदार से कहा कि उन्हें राहुल गांधी इस फेरित में सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें डिसरिस्पेक्ट मिली है, राजनीतिक तौर पे उन्हें हल्के में लिया गया है और बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने अपने आप को राजनीतिक तौर पे इस्टेब्लिश करने में जो सफलता पाई है, उनकी जो जर्नी है वो काबिले तारीफ है, इसलिए उन्हें राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। हालांकि फिल्मकार और कलाकार बहुत दिनों से आपने देखा होगा और वर्षों से परंपरा रही है कि वह किसी तरह से राजनीतिक टीका टिप्पणी से बचते हैं। ऐसे में सैफ अली की जो बात है खूब चर्चा हो रही है, राजनीतिक तौर पे भी और मीडिया में भी इसको आसानी से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि लगता है कि इसके कुछ मायने और मतलब हैं। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।